वेलकम बैक टू स्टॉक्स पावर यूट्यूब चैनल। तो आज यहाँ पे हम रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड स्टॉक के बारे में बात करने वाले, लेटेस्ट अपडेट के साथ एक लेटेस्ट खास न्यूज भी है, वो भी यहाँ पे हम देखने वाले। तो रिलायंस इंडस्ट्री स्टॉक के अंदर यहाँ पे फ्राइडे के दिन यहाँ पे गिरावट हो चुकी है, तकरीबन 50 पॉइंट की, तकरीबन 2.12% की गिरावट होते हुए नजर आ चुकी थी और 2327 पे क्लोजिंग दे चुका था रिलायंस इंडस्ट्री स्टॉक। तकरीबन यहाँ पे आप देख सकते हो कि बहुत सी गिरावट होती हो चुकी है पिछले 10 to 15 डेज के अंदर। 5 डेज की भी बात की जाए तो 5 डेज में यहाँ पे आप देख सकते हो एक अच्छा रिकवरी दिखाया था रिलायंस इंडस्ट्री स्टॉक ने, पर करंटली यहाँ पे आप देख सकते हो कि आज के दिन में बहुत से गिरावट हो चुकी है। तकरीबन यहाँ पे आप देख सकते हो 1 मंथ के अभी चार्ट देखा जाए तो 1 मंथ में यहाँ पे आप देख सकते हो कि 2250 पे सपोर्ट लेके एक बाउंस बैक दिखाया था यहाँ पे रिसेंटली, पर यहाँ पे आप देख सकते हो फिर से 2400 लेवल का रेजिस्टेंस लग के गिरावट हो चुकी है आज के दिन में रिलायंस इंडस्ट्री स्टॉक के अंदर। तकरीबन यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो लेटेस्ट अपडेट है और न्यूज है वो भी यहाँ पे हम देखने वाले। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो यहाँ पे लेटेस्ट अनाउंसमेंट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले जो 2 है डिटेल ऑफ लॉस ऑफ सर्टिफिकेट है, डुप्लीकेट सर्टिफिकेट, उसके नीचे यहाँ पे आप देख सकते हैं अनाउंसमेंट अंडर रेगुलेशन, जो प्रेस रिलीज है, मीडिया रिलीज है, वो यहाँ पे जो न्यूज है वो यहाँ पे हम देखने वाले। तो यहाँ पे आप देख सकते कि सब्जेक्ट भी यहाँ पे आप देख सकते हो उसका, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मीडिया रिलीज का सब्जेक्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हो प्लीज फाइंड अटैच मीडिया रिलीज बाय द कंपनी टाइटल्ड रिलायंस इंडस्ट्री अनाउंस ओपनिंग ऑफ फर्स्ट ऑफ अ काइंड ग्लोबल डेस्टिनेशन द जुवो वर्ल्ड सेंटर इन द हार्ट ऑफ मुंबई इन बीकेसी। मीन्स यहाँ पे आप देख सकते कि द जुवो वर्ल्ड सेंटर यहाँ पे आप देख सकते हैं बीकेसी में, यहाँ पे मीन्स मुंबई का जो हार्ट है यहाँ पे बीकेसी, वहाँ पे जुवो वर्ल्ड सेंटर यहाँ पे ग्लोबल डेस्टिनेशन ओपन करने वाले रिलायंस इंडस्ट्री, उसका अनाउंसमेंट किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं रिलायंस इंडस्ट्री अनाउंसेस ओपनिंग ऑफ फर्स्ट ऑफ अ काइंड ग्लोबल डेस्टिनेशन द जुवो वर्ल्ड सेंटर इन द हार्ट ऑफ मुंबई इन बीकेसी। तो यहाँ पे आप देख सकते कि एक अनाउंसमेंट किया है यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्री स्टॉक ने। दिस इज टू इंफॉर्मेशन एंड डिसमिनेशन ऑन योर वेबसाइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वेबसाइट पे भी मिलेगा आपको रिलायंस इंडस्ट्री अनाउंस ओपनिंग ऑफ अ फर्स्ट काइंड ऑफ ग्लोबल डेस्टिनेशन द जो वर्ल्ड सेंटर इन द हार्ट ऑफ मुंबई इन बीकेसी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मुंबई फोर्ट रिलायंस इंडस्ट्री टुडे अनाउंस द ओपनिंग ऑफ द कंट्रीज लार्जेस्ट एंड मोस्ट प्रेस्टिजियस मल्टी फैसेटेड डेस्टिनेशन द जियो वर्ल्ड सेंटर। एनिवेशन मिस्टर नीता अंबानी डायरेक्टर रिलायंस इंडस्ट्री एंड फाउंडर चेयरपर्सन ऑफ रिलायंस फाउंडेशन, द सेंटर कवर्स एन एक्सपेंस ऑफ 18.5 एकर्स इन मुंबई, मुंबई बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स यानी कि बीकेसी, एंड इज सेट टू बिकम एन आइकॉनिक बिजनेस कॉमर्स एंड कल्चरल डेस्टिनेशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लेटेस्ट न्यूज है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्री स्टॉक के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बाकी के जो न्यूज है यहाँ पे आप देख सकते हो, आप भी पढ़ सकते हो, बहुत सारे न्यूज है। और रिसेंटली यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्री के जो यहाँ पे डिटेल्स देखी जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्केट कैप 15,73,000 करोड़ का मार्केट कैप है। तकरीबन यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्केट कैप में आप देख सकते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्री 1 नंबर पे आती है। उसी के यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टॉक का पी भी 28.6 है। और यहाँ पे जो मेन चीज है, जैसे यहाँ पे देख सकते हो कि तकरीबन बुक वैल्यू 1097 का है, आरओसी 8 का है और रिटर्न ऑन इक्विटी भी तकरीबन 8 का है। कंपनी के ऊपर जो डेप्ट है वो भी देख सकते हो, 2,63,000 करोड़ का डेप्ट है। नेट प्रॉफिट है 57,729 करोड़ का। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ईपीएस 89.2 है, बहुत अच्छा ईपीएस भी है। कंपनी के जो सेल्स है 6,42,000 करोड़ के सेल्स हो चुके हैं। टोटल एसेट भी देख सकते हो 14,29,000 करोड़ के ऊपर यहाँ पे टोटल एसेट्स है। प्रोमोटो होल्डिंग 50% की, जो कि अच्छी खासी यहाँ पे प्रोमोटो होल्डिंग भी है। तकरीबन यहाँ पे आप देख सकते हैं रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड इज अ फॉर्चून 500 कंपनी एंड द लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर कॉर्पोरेशन इन इंडिया। इट हैज इवॉल्व्ड फ्रॉम बीइंग टेक्सटाइल पॉलिस्टर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रिलायंस यहाँ पे रिफाइनिंग मार्केटिंग बिजनेस में भी यहाँ पे आप देख सकते हैं रिलायंस इंडस्ट्री है। तो ये थी लेटेस्ट अपडेट, यहाँ पे आप देख सकते हैं लेटेस्ट न्यूज रिलायंस इंडस्ट्री स्टॉक के लिए।